चलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सहज की तरफ से। तो इनके नए सॉन्ग का पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसका नाम है होश में आ, और ये जो सॉन्ग है ये हमको संडे को बंटा रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है किड्स आउट की तरफ से। किड्स आउट का भी नया सॉन्ग सोकर है रिलीज हो चुका है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है गॉस म्यूजिक की तरफ से। तो गॉस का भी एक कोलैब सॉन्ग इसका नाम है दमदार, उसका भी पोस्टर रिलीज हो चुका है और इसकी अभी रिलीज डेट उन्होंने कंफर्म नहीं की हुई है, और लिखा हुआ है लेट्स गो दमदार ड्रॉपिंग दिस मंथ गेस द डेट। अगली जो न्यूज़ वो आ रही है सीधे मौत की तरफ से। तो आप देख सकते हो जो काम है उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी, और जो इनको रेवी जे है उन्होंने भी उसको शेयर किया हुआ था जिसमें कि वो किसी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने सजन द बीट को भी मेंशन किया हुआ है। हो सकता है कि इनका सॉन्ग हमको जल्दी देखने के लिए मिले। अगली जो न्यूज़ वो आ रही है अहमर म्यूजिक की तरफ से। तो अहमर के भी नए सॉन्ग का पोस्टर रिलीज हो चुका है जो कि हमको 28 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ वो आ रही है मूव पार्ट की तरफ से। तो मूव पार्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, आप खुद देख सकते हो। बढ़िया स्कीम लेके आया हूँ सबके लिए, इनोवरा एंटरटेनमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो जल्दी जल्दी, होने वाले हैं, थोड़े से रह गए होंगे, ठीक है, मूव पार्ट एक्स रागा मिल जाएगा तुम्हें। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है इक्का की तरफ से। तो आपको पता ही होगा कि इक्का का जो नया सॉन्ग है वो ऑडियो रिलीज हो चुका है, साथ ही इसका जो वीडियो है वो हमको आज देखने के लिए मिलने वाला है। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था दूसरी एल्बम पहला गाना आज शाम 5 बजे निशू। और साथ ही मैं आपको बता दूंगी जो रफ्तार है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें इक्का का सॉन्ग सुन रहे हैं, और उस पर उन्होंने लिखा हुआ है इक्का सीधा दिल पे। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो अभी आपको पता होगा कि कृष्णा और करण औजला का जो कोलैब सॉन्ग आया हुआ है YKWIM पाकिस्तान में म्यूजिक की कैटेगरी में अभी भी 2nd नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, साथ ही 1st नंबर पे आप देख सकते हो यंग स्टनर का सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। तो इस बार आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही कृष्णा का जो अनटाइटल्ड सॉन्ग है उसको 2 साल पूरे हो चुके हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमिवे की तरफ से। तो एमिवे का जो फिर से मचाएंगे सॉन्ग है उस पर भी 450 मिलियन व्यूज कम्प्लीट हो चुके हैं, और इसी को शेयर करते हुए एमिवे ने लिखा हुआ था सलीना लेट्स गो वी क्रॉस्ड 450 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज ऑन फिर से मचाएंगे। तो देखते हैं इस साल एमिवे मचाएंगे 4 लेकर आते हैं या फिर नहीं आते, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो शायद आपको पता होगा एक बार एमसी स्टैन लाइव आए हुए थे और उन्होंने एक सॉन्ग का स्निपेट सुनाया हुआ था जिसका नाम था 1 डे यू गोना पे। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो आप खुद सुन सकते हो। और अभी आपको पता होगा कि एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पर जो प्रोफाइल पिक्चर डाली हुई है उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।